नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त अभिमन्यु सिंह। अभी आपको ले चलते हैं अशोक धाम। अशोक धाम से हर एक चीज़ से रूबरू करवाएंगे कि अशोक धाम का जो भी है मान्यता जो है कि लगभग हर एक सावन हो या ऐसे भी वहाँ करीब करीब लाखों लाख की संख्या में श्रद्धालुगण आते हैं। चलिए आपको उसका एक रहस्य खोल के बताएंगे कि अशोक धाम में कैसे में क्या चीज़ है कि जिससे वहाँ श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अशोक धाम। ये दोस्तों पार्वती जी का पार्वती मंदिर है जो अशोक धाम में निर्मित है। हर एक मनोकामना पूर्ण करने वाले ये देवता है जो एक तीर्थ स्थल में माना जाता है। दोस्तों जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका था कि यहाँ अशोक धाम में बहुत ही देख सकते हैं कि बहुत श्रद्धालु की भीड़ है और ये बाबा भोलेनाथ की महिमा है कि जो श्रद्धालुओं का भीड़ अटूट परम्पर भीड़ लगा ही रहता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, अभी मैं बाबा के पास थोड़ा सा जा रहा हूँ, शिवलिंग के पास जो आगे देख सकते हैं कि शिवलिंग में पूजा किया जा रहा है। एक देखिए नन्हे भक्त भी आए हुए हैं। ये दोस्तों अशोक धाम के नंदी बाबा हैं, नंदी बाबा का आप देख सकते हैं बहुत ही मतलब आकर्षण बना हुआ है यहाँ का। ये दोस्तों ये घंटा घर बताया जा रहा है, इससे जो भी आते हैं यहाँ श्रद्धालुगण जो है यहाँ घंटा बजा के ये तो ये सोमवारी में जो अटूट भीड़ लगा रहता है जिस कारण वश यहाँ आप देख सकते हैं कैसे अच्छी विधि व्यवस्था बना हुआ है जो कि विधि व्यवस्था बहुत ही सब और अच्छा तरीके से बनाए गए हैं कि जो कि श्रद्धालुगण को कभी कोई दिक्कत ना हो, चीज ना हो। ये आप अशोक धाम का दर्शन कर रहे हैं दोस्तों। बाबा मंदिर में आए हुए आप तमाम श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन है। ये अशोक धाम जहाँ की हरे निर्माण आपके दिया हुआ और ये चरणामृत के रूप में इसे रखा गया है, इसमें जो भी श्रद्धालु बन जाते हैं इसी से होके गुजरते हैं। आपका दिया हुआ काम से ही ये मंदिर निर्माण कार्य प्रगति की ओर अग्रसर है। आप देख रहे हैं, देख सकते आप देख रहे हैं फिर दान देने में हिचक यहाँ से लगे हुए हैं। दान देना अवश्य करें।
जी हुए उसी के दान करे, उसी के दान अवश्य करे। ये श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही अच्छा यहाँ व्यवस्था किया गया है। पीपल का पेड़ ये लगा के श्रद्धालु यहाँ अच्छे से व्यवस्था किया गया है। यहाँ देख सकते हैं कबाड़ियों के लिए बहुत ही अच्छा व्यवस्था किया गया है। कबाड़ियागण जो भी आए यहाँ पे अच्छी तरह से रहने का व्यवस्था जो भी चीज है कि बहुत ही अच्छा व्यवस्था यहाँ पर दिया गया है। ये अशोक धाम कमेटी की ओर से एक दान काउंटर खोल लगाया गया है जिसमें जो भी श्रद्धालुगण जो भी हो सके अपना अपना दान कर सकते हैं। दोस्तों ये पार्वती माता का मंदिर है, देख सकते हैं कि श्रद्धालुगण अपना अपना माता का आशीर्वाद लेने के लिए सभी श्रद्धालुगण अपना आते हैं। अभी आप अशोक धाम से देख रहे हैं, ऐसे ही आपके मनोकामना ऐसे ही आपको जीके न्यूज जो है लगातार आपको तीर्थ स्थल का दर्शन कराते रहेगा। ये दोस्तों पार्वती मंदिर है अशोक धाम का, जहाँ आप देख सकते हैं कि ये अशोक धाम का पार्वती मंदिर है जहाँ श्रद्धालु आते हैं अपने मनोकामना को लेकर। बाबा इनके मनोकामना को पूर्ण करें, जय हो महादेव।